ओम शांति दोस्तों, आप सबको बीके सपना के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ भेज मटन चिल्ली। चलिए देखते हैं भेज मटन चिल्ली किससे बनता है। इसके लिए हम लोग को चाहिए 250 ग्राम के करीब करीब कटहल, कच्चा कटहल, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा मत लीजिएगा, उसका टेस्ट फिर अलग आ जाता है। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा हल्दी और नमक दे के कुकर में एक सीटी मार लिया है। अभी इसके लिए हम लोग को चाहिए कॉर्नफ्लोर और मैदा, और मसाले में हम लोग यूज़ करेंगे, देखिए मसाले में मैं ले रही हूँ इधर आपका जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर जो कि कलर देता है। और वेजिटेबल्स में मैं ले रही हूँ आपका कैप्सिकम, अदरक कद्दूकस किया गया 1 इंच, और हरी मिर्च को मैंने बीच से काट दिया है, और एक टमाटर को मैं ली हूँ और टमाटर का मैंने जूस निकाल के उसको लंबे लंबे काट दिया है। अभी मैं उबला हुआ जो कटहल है जो मैं सीटी लगा के कुकर में छोड़ के रखी थी उसको छन्नी में छान के उसमें 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर देके उसको अच्छे से हम लोग को मिक्स करना है। उसमें थोड़ा सा जाएगा आपका चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, सब 1 टीस्पून जाएगा, फिर जीरा पाउडर ये भी 1 टीस्पून, और चिल्ली पाउडर आप आपके स्वाद के हिसाब से ले सकते हो, और ये है ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर आपका 1/2 टीस्पून, और ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, ये आपका थोड़ा सा फ्लेवर अलग देता है, और आपका कश्मीरी मिर्च पाउडर जो कि कलर देता है। अभी इसको हम लोगों को अच्छे से मिक्स करना है। ऐसे मिक्स करेंगे जो जैसे कि कटहल में ये सारा अच्छे से कोटेड हो जाए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी जिससे कि ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, अभी इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और याद रखिए इसको दोस्तों हल्के हाथों से ही मिक्स करिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, इसको अभी हम लोग को फ्राई करना है। जैसे चिल्ली पनीर ऐसे सब करते हैं फ्राई, उसके बाद बनता है, अभी उसी तरह से हम लोग को कटहल को भी फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने गैस में ऑलरेडी आपका रिफाइन ऑयल चढ़ा दिया है। रिफाइन ऑयल इतना लेंगे जिसमें कटहल आपका फ्राई हो जाए। तो ये देखिए ऑयल गर्म हो गया, मैं जो कटहल को कोट करके रखी थी उसको एक एक करके इसमें फ्राई करूँगी। हम लोग को उतना टाइम फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, तब तक हमें इसको फ्राई करना है। दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग का इतना मेरे को कमेंट आ रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो लोग सब्सक्राइब बटन में क्लिक करिए, साइड में बेल आइकन है उधर क्लिक करने से आपको नए वीडियो में जो नए वीडियो सब बनाऊंगी वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, आपके स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा तो आप जान पाओगे। इसलिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नए नए वीडियो आप लोग तुरंत देख सकें, और अगर आपका कोई कमेंट हो तो मुझे लिख के ज़रूर भेजिए अगर आप कोई नया चीज़ देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा तो हर रसोई विदाउट ओनियन और गार्लिक का ही होता है। मैं ट्राई कर रही हूँ जितना विदाउट ओनियन गार्लिक का मैं जितना बना सकूँ उतना बनाऊँ, आप लोग को दिखा सकूँ, आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए ये हम लोग का कटहल हो गया, मैंने उसको अभी निकाल दिया है। अभी हम लोग थोड़ा सा ऑयल में, वही रिफाइन ऑयल में आपका हरी मिर्च जो मैंने काट के रखा था वो, और अदरक जो कद्दूकस करके मैं रखी थी उसको डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद कैप्सिकम डालेंगे, ये 1 से 1.5 कैप्सिकम, बड़ा हो तो 1 लीजिए, छोटा हो तो 2 लीजिए, और टमाटर सब डाल के मैं उसको थोड़ा सा सॉटे करूँगी, जैसे कि हम लोग को पूरा अच्छी तरह से उसको उबाल के नहीं करना है, जैसे कि आपका जो कैप्सिकम है उसका क्रंचीपन रहे
उसी तरह से हम लोग को उसको फ्राई करना है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डाल के अभी उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, वो आपके स्वाद के हिसाब से आप ले सकते हो, आपको कितना जस्ता है उसी हिसाब से। फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आप याद रखिए, इसमें विनेगर जाएगा थोड़ा सा खट्टापन के लिए, जो कि अच्छा लगेगा। तो 1 टेबल स्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून आपका ये सोया सॉस। सोया सॉस में हम लोग का नमक रहता है, इसीलिए हम लोग पहले से नमक थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि हम लोग का कटहल में भी थोड़ा सा नमक डाला हुआ है। तो उसी हिसाब से आप लोग नमक इसमें यूज़ करिएगा। तो मैंने देखिए सोया सॉस भी डाल दिया है, हर मसाला इसमें डाल दिया है। फिर हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे। देखिए अभी मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में 1/2 कप करीब करीब पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसका एक घोल बना लूँगी। देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। फिर उसी को मुझे ये कढ़ाई में डालना है। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, उसका घोल बना लिया, अभी इसमें मैं डाल रही हूँ। डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। 30 सेकेंड्स मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये गर्म तो रहता है कढ़ाई, इसीलिए देखिए तुरंत उबाल आ गया है इसमें। अभी मैं इसमें जो कटहल मैंने फ्राई करके रखा था चिल्ली कटहल के लिए, उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से आप लोग भी मिक्स करिएगा। इसका टेस्ट जो है ना, बहुत ही अच्छा होता है। और ये पूरा एकदम कटहल तो ऐसे भी आप अगर अच्छे से बनाओ तो ये पूरा एकदम मटन का फ्लेवर आता ही है, तो इसीलिए मैं इसको भेज मटन भी बोलते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे लिख के भेजिए कैसे लगता है आपको। इसमें खट्टा मीठा सब टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, और अच्छा उभर के आए। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाली। तो अगर बच्चे हैं तो आप ज़्यादा टोमेटो सॉस डाल सकते हो और चिल्ली सॉस का यूज़ कम कर सकते हो। मैं तो थोड़ा सा ही, 1 टेबल स्पून ही चिल्ली सॉस डाली हूँ, आप आपके स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। अभी देखिए हम लोग का चिल्ली कटहल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको अच्छी तरह से अभी मिक्स करने की बारी है। देखिए इसको अच्छी तरह से आप लोग मिक्स करिए इस तरह से। फिर इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे, इसका जो फ्लेवर है ये और खुल के आएगा और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप विदाउट ओनियन गार्लिक का ये भेज मटन चिल्ली बनाइए और खाइए। और मेरे